जो सुधर गया फिर वो हर्षित राणा कहाँ है? हाँ, ये हर्षित भैया से हमने हमारे पॉडकास्ट में भी पूछा था कि भैया कब मानोगे, लेकिन हर्षित भैया का मन नहीं मानता और इसीलिए हर्षित भैया कह रहे हैं कि मैच चले चले लेकिन फ्लाइंग किस ना रुके, भले फ्लाइंग किस के चलते बैन लग जाए, भले फ्लाइंग किस के चलते कांड हो जाए, भले फ्लाइंग किस के चलते दुनिया चर्चा कर जाए, लेकिन हर्षित भैया जो है वो कह रहे हैं हम फ्लाइंग किस नहीं रुकेंगे, ई ना रुकबे ई चोलबे। तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने एक बार फिर विकेट लेने के बाद फ्लाइंग किस किया और सारी दुनिया ने कह दिया सुधर जाओ यार। हालांकि ठीक है, हर्षित पे सूट करता है, दिल्ली वाला लड़का है, बढ़िया स्वैग से गेंदबाजी करता है, मजा आता है। लेकिन हर्षित राणा ने दिलीप ट्रॉफी 2024 में एक बार फिर फ्लाइंग किस दिया। ये टूर्नामेंट इंडिया की डी टीम का हिस्सा है। हर्षित गेंदबाजी कर रहे थे, सामने सी टीम के कैप्टन और ओपनिंग बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ साहब थे। अब ऋतुराज गायकवाड़ को जब उन्होंने बॉलिंग की, ऋतुराज को आउट किया तो फिर कर दिया और इसके बाद चारों तरफ चर्चाएं शुरू हो गई। ऋतुराज ने स्मैश में डिसअपॉइंट किया, 19 बॉलें खेली और केवल 5 रन बनाए। के एस भरत जो भी स्मैश का हिस्सा थे उन्होंने कैच पकड़ा, के एस को संजू की जगह मैच मौका मिला था। लेकिन हर्षित का ये फ्लाइंग किस इसलिए चर्चा में क्योंकि हर्षित इस फ्लाइंग किस के चक्कर में एक बार फंस चुके हैं। हालांकि हर्षित आक्रामक गेंदबाज है, अक्सर आक्रामक तरीके से विकेट का जश्न मनाते हैं, कई बार खिलाड़ियों को आउट करने के बाद एक स्टाइल उनका है, लेकिन इस स्टाइल में आईपीएल 2024 में जब फ्लाइंग किस उन्होंने की थी तो कांड हो गया था। आईपीएल में हर्षित राणा को फ्लाइंग किस देने के चलते बीसीसीआई ने पनिशमेंट दी थी। बीसीसीआई ने तब हर्षित राणा पर न सिर्फ मैच पीस का 100% फाइन लगाया था बल्कि एक मैच का बैन भी लगाया था। हर्षित ने हमारे पॉडकास्ट में तब कहा भी था कि काफ़ी डिसअपॉइंट हुए थे वो। पहले मैच में 60% मैच फीस कटा था जब मयंक अग्रवाल को उन्होंने पूछी दी थी ऐसे फ्लाइंग किस करके। उसके बाद सेकेंड मैच में अभिषेक पोराल को उन्होंने किया था और तब 100% फाइन लगा और उसके बाद एक मैच का बैन जो था वो लगा दिया गया। हालांकि बाद में आईपीएल जब उनकी टीम जीती थी तब शाहरुख खान ने सबसे फ्लाइंग किस करवाई थी और काफ़ी चर्चा में भी थी वो फ्लाइंग किस। उन्होंने भी कहा कि यार इंटरेस्टिंग रहा। लेकिन हर्षित राणा का फिर फ्लाइंग किस देना एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा केंद्र में आ गया, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। फैंस के रिएक्शन जो है देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हर्षित जानबूझकर ऐसा करते हैं, अब कुछ नया करना चाहिए। कुछ ने कहा कि यार बढ़िया है, मतलब अच्छा लग रहा है। तो किसी ने कहा कि भैया फ्लाइंग किस जो है वो विराट कोहली के सामने करके दिखाए। कईयों ने कहा कि क्या फिर हर्षित राणा को फ्लाइंग किस के चलते बाहर बैठना पड़ेगा। कोई कह रहा था गुरु किस महंगा पड़ जाएगा। किसी ने कह दिया कि भैया राणा जी जो है वो नहीं सुधरेंगे। बट राणा जी का फ्लाइंग किस सेलिब्रेशन जो है वो दिलचस्प रहा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। ठीक है, लोग मौज काट रहे हैं, लेकिन सवाल ये परफॉर्मेंस तो अच्छी है। हर्षित राणा क्या टेस्ट टीम का हिस्सा बन सकते हैं? अभी तो इट्स टफ, लेकिन लेट्स सी। किसी ने कहा कि भैया एक बार से हर्षित भैया का मन भरा नहीं, लगता है हर्षित भैया को मौज आ रही है। किसी ने कहा कि यार ये अच्छा तरीका है लाइमलाइट में दोबारा आने का। बट हर्षित राणा इज़ एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। हर्षित राणा एक शानदार गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, आईपीएल में काफ़ी इकोनॉमिकल भी थे और अच्छी गेंदबाजी करते नजर आए। कई बार अंपायर्स ने भी हमने पूछा कि यार ये सब जो रिएक्शन होते क्या होता, तो उन्होंने कहा अच्छा यार लड़के सेलिब्रेट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत फन होना चाहिए वरना लोग बोर हो जाते हैं। लेकिन ये प्रूफ है क्रिकेट में सेलिब्रेशन जो है वो कई बार गेम का थ्रिल जो है वो बढ़ा देते हैं और इसीलिए हर्षित ने जब ये किया तब ये ज़बरदस्त रहा। इस मैच में हर्षित राणा की परफॉर्मेंस बात कर दी जाए तो 4 ओवर में 4 मिडन डाले थे, 2 विकेट निकाले थे, अच्छी गेंदबाजी की, साई सुदर्शन को आउट किया, ऋतुराज गायकवाड़ को आउट किया, एक भी रन नहीं दिया जो बहुत इंटरेस्टिंग था। हर्षित सेंसेशनल बॉलर है, इंटरेस्टिंग रहते हैं। अगर आप उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे तो 13 ओवर किए, 5 मेडन, 33 रन दिए, 4 विकेट, लेकिन शुरुआत में 2 विकेट थे। ऋतुराज गायकवाड़ का, साई सुदर्शन को बड़ा विकेट था, बाद में विकेट निकाले, अभिषेक पुराल का विकेट निकाला, मानो का निकाला, लेकिन वो इंटरेस्टिंग था। आईपीएल में भी कमाल थे, 13 मैच में 19 विकेट थे इनके और अच्छी गेंदबाजी की रही है अब तक इन्होंने। केकेआर में ज़बरदस्त बॉलर रहे हैं। इनका पॉडकास्ट समय से ज़रूर देखेगा अगर आपको समय मिले तो। लेकिन ओवरऑल टू गुड, बट क्या ये भारी पड़ेगा फिर से?